खबर शामिल करते हैं नवाबशाह से, जहां बलदियाती इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की तरफ से भी सरगर्मियां शुरू कर दी गईं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा सरदार शेर मोहम्मद रहीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसील के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जिला नवाबशाह के सदर सरदार शेर मोहम्मद रहीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सेक्रेटेरिएट जिला नवाबशाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस बलदियाती इलेक्शन में हर वार्ड और यूसी पर उम्मीदवार खड़े करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बलदियाती इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल बड़ी अक्सरियत के साथ कामयाब होगी, क्योंकि इलेक्शन का ऐलान होते ही रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि IBA में मेरिट पर पास होने वाले उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी के अहदेदारान की तरफ से अपने हाउसेज पर आर्डर देना मेरिट की खिलाफ वर्जी है, जिसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि कारकुना और हमदर्द लोगों से मुखातिब होकर इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी दरख्वास्तें जिला सेक्रेटेरिएट में जमा करवाएं, ताकि नवाबशाह इलेक्शन में आप लोगों को टिकटें दे सकें। उन्होंने कहा कि टिकटें सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि नौजवान और गरीब तबके के लोग जोर देते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन में हिस्सा लें, क्योंकि इस इलेक्शन के जरिए आप अपना हक हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर सैयद बाग अली शाह, फकीर निजामुद्दीन सिंजरानी, अमीर बख्श डहरी, डॉक्टर आदिल राय, इरफान गुलरैन, सादिक हाजी खान और दीगर ने भी शिरकत की।